श्री श्याम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग चैनल। और अभी नहा धोके हो गए थे रेडी, और ठंडी भी बहुत है। अभी थोड़ा जा रहे हैं मंदिर, और पीछे देख सकते हैं आप लोग, खेती भी रेडी हो गई है गोभी की, क्योंकि यहाँ जो मतलब बंजर खेत पड़े थे मंदिर के, तो अब पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब खेती वगैरह उसमें लग गई है, और गोभी के पेड़ भी आ गए उसमें। गाड़ियों को भी रेडी कर लिया है, नहा धो के रेडी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी दिन से उन्होंने भी नहाया नहीं था। बुलेट को भी नहला लिया है, और अपनी स्कूटी को, जो कि अपनी बौरे भाई धो रहे हैं मोहल्ले के। पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जल्दी धो लूँ, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत है मेरे यहाँ पर, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है पानी। बुलेट को नहला दिया है, और अब जाएंगे इससे हम बस स्टैंड। और आज इसकी ना थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करवानी है, क्योंकि ये है जो ना डैमेज हो गई थी चेंचेस थोड़ी, इसमें थोड़ा कलर करवा लें। शिवम का फोन भी आ गया, मैंने उससे बोल दिया था कल कि उस कल पेंटर से बोल देना कि कल इसमें थोड़े कलर्स हो जाएं। तो अभी जाते हैं, देखते हैं क्या है। पंडित किसको खिला रहे हो पंडित? जाते हैं बस स्टैंड, और वहाँ देखते हैं मिल जाए वो पेंटर, तो उससे कलर भी करवा लें। और शिवम का फ़ोन तो आ ही गया है, पर गर्मी बहुत है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि काम जो करवाना है। गए शिवम भाई की दुकान पे, शिवम भी बाकी के पार्ट्स लेके आ रहा है बुलेट के, और अब जाके उसके कारपेंटर की शॉप पे जाते हैं। आ गए हैं गुलाब भाई की दुकान पे, पीछे उनकी दुकान है, चलो देखते हैं दुकान में है वो के नहीं। चलते हैं गुलाब भाई की दुकान पे, और देख सकते हैं आप लोग के इनका ना कार डेकोरेशन का काम है, एंड साउंड सर्विस, जो मतलब छोटा हाथी हुए, पिकअप वगैरह हुई, और ट्रक में जो साउंड वाउंड वगैरह लगते हैं, तो भाई उसकी फिटिंग विटिंग और मतलब साउंड भी देते हैं, और डेकोरेशन का भी काम करते हैं। और ये अपने गुलाब भाई बैठे हैं, शिवम भाई बैठे हैं इंचार्ज दुकान के, एंड फोटो के भी, और गुलाब भाई बैठे हैं। गुलाब भाई, और मेरी दुकान मतलब सॉरी दुकान का नहीं, और गाड़ी का कब तक काम होगा? 2 घंटे बाद होगा आपकी गाड़ी का। चलो ठीक है, 2 घंटे बोल रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि मतलब ये अभी जो सामने पिकअप है ना, इसका काम कंप्लीट हो जाए, उनके भाई कर दे पहले, तो उसके बाद उसी कंप्रेसर से अपनी भी थोड़ी बहुत टेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, क्योंकि और कहीं जा नहीं पाए, और शिवम के दोस्त हैं खास, तो इस वजह से यहीं लेके आ गए हैं वो, तो अब वेट करेंगे थोड़ा, उसके बाद काम करवा ले रहे। गुलाब भाई ने काम ही चालू किया था, तो अभी थोड़ी सीट खोली तो देख सकते पूरा गल गया मेरा ये, मतलब कल जो बोल्ट खोल रहे थे वो भी नहीं खोल रहा था इसी वजह से, अब वो खोल रहा है कि इसमें बोल्ट है अंदर के, कोई फंसा हुआ है, मतलब फंसी है कोई चीज, बोल्ट लगा हुआ बोल रहा है, मतलब चलो इसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे कुछ, क्योंकि वैसे तो ऐसे में कुछ दिख नहीं रहा है, चलो करते हैं ट्राई कुछ नया, तभी खुलेगा। अभी हम उस शिवम जा रहे हैं इसमें थोड़ी ये वेल्डिंग करा लें, क्योंकि अभी नया तो यहाँ मिल नहीं रहा है, इस वजह से इसी में वेल्डिंग करा लें, पूरा गल गया था अंदर से। और मैं और शिवम भाई जा रहे हैं अभी उसकी शॉप पे, गुलाब भाई की, आ गए हैं मूलचंद की दुकान पे, और मूलचंद करेंगे काम, क्योंकि ये लग दी है सीट पलंग पुन की, अब उसमें थोड़ी ऑटो में हो जाए वेल्डिंग, उसके बाद करते हैं वो मेरी सीट में वेल्डिंग, थोड़ा सा काम हो जाए बाकी, थोड़ी सी वेल्डिंग और हो जाए बाकी, सारा काम कम्प्लीट है। भाई बैठे हैं अंदर, और गुलाब भाई पेंट को रेडी कर रहे हैं, और ये पार्ट्स हो गए हैं, इसमें कलर होना है, और बुलेट तो देख सकते हैं आप लोग, पूरी कपड़े उतार गए उसके, कर दी है गुलाब भाई ने एकदम मेरी गाड़ी टनाटन, देख सकते हैं आप लोग, पेंटिंग भी बहुत प्यारी करते हैं गुलाब भाई। और आगे पीछे मैंने थोड़ा थोड़ा पूरा कलर लगवा लिया है, क्योंकि थोड़ी डैमेज थी ना आगे पीछे से, जैसे मैंने बोला कि पूरा ही कर दो कंप्लीट, पूरे में भाई ने कलर डाल दिया है, ये सब शिवम की मेहरबानी है, भाई ने करवा दिया ये कांड। गए हम लोग शिवम की दुकान पे, गाड़ी वहीं छोड़ा है, क्योंकि पेंट हुआ था उसमें, तो इस वजह से वो अभी सूखा भी नहीं है, तो अभी ले नहीं, मतलब लेके नहीं आ सकते थे, तो गुलाब भाई बोले कि भैया अभी रखा रहने दो, उसके बाद थोड़ी देर में सुबह ले जाना, तो अभी आ गए शिवम की दुकान पर, तो हम तो बोलते हैं घर जाते हैं स्कूटी उठाते हैं, क्योंकि वो भी रेडी रखी है अपनी, उसमें तो पेंट वेंट कुछ होना नहीं है, इसी से घूमेंगे कल वो बुलेट उठा अपनी। और क्या, आ गए पवी भाई मुझे लेने, अब पवी के साथ जा रहा हूँ मैं घर, और भाई अभी बता के ले अकेले मथुरा घूम के आया, भाई ने मुझे एक भी वीडियो नहीं सेंड की है, सारे हैं वीडियो सारे पवी के में है, उसी के ब्लॉग पे मिलेंगे, मेरे ब्लॉग पे तो पता नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बता है, एक तो बहुत नर्वस फील हुई, अकेले गए थे ना तो उतना मजा नहीं आया, आपको सरकारी जॉब वाले मिल गए थे ना भाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है,
चलो घर पहुंचते फिर भागिए, आपको जानकारी वहीं देंगे हम लोग। खैर अपनी ने अपने घर का लॉक भी खोल लिया क्योंकि वो भी अपनी जॉब से आया। पीछे मेरी स्कूटी खड़ी, उससे जाएंगे अब मार्केट क्योंकि पभी तो अब घर आ गया, वो रेस्ट करेगा। मैं थोड़ी देर से भी काम भी है क्योंकि काम भी नहीं हुई क्योंकि ब्लड के चक्कर में पूरा सारा काम भी करते रहे, तब वो कम्प्लीट हुआ, अब जाएंगे थोड़ा मार्केट उसी के काम से। देख सकते हैं आप लोग चूहों ने क्या करामात करके रखी है घर में मेरे, मतलब किराना का पूरा सामान रखा रहता है तो लाल मिर्च होती ना जी, पूरे चारों साइड फैला के रख दी कमीनों ने। मिल जाना तो मार डालूंगा उनको क्योंकि बहुत नुकसान करते हैं भाई मेरा वो। आ गए हैं घर और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नए वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई का सपोर्ट कीजिए। और आज का तो जो वर्क था बुलेट का मॉडिफाइड थी कलर करवा है और थोड़े बहुत डेंटिंग पेंटिंग भी जो मतलब थोड़ी बहुत 19-20 थी वो भी कंप्लीट करवा है, बस यही आज का पूरा वर्क था। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने भाई का सपोर्ट करें। गुड नाइट, जय श्री श्याम, बाय बाय।